मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को भठठ ब्लॉक के जैतपुर गांव में चौपाल लगाया गया। चौपाल के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी ने स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से उनकी शिकायतों को सुनते हुए उसके निस्तारण के निर्देश दिए। शनिवार को लगाए गए चौपाल में आवास संबंधित 7 शिकायतें सामने आई। इसके अलावा आंगनबाड़ी के पुष्टाहार वितरण में शिकायत के साथ राशन की दुकानों की 2 शिकायत सामने आई। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सोमवार को गांव में आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं को लेकर कैंप लगाया जाएगा, जिसमें जिसकी जो भी शिकायत है उसको सुनते हुए उसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी ने पूरे गांव में साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, और सब लोग आके उसमें अपना कार्ड बनवा लेंगे, जिनका भी सूची में नाम है, इस मौके पर छोड़ेंगे और बीएमपी आएगा, कंप्यूटर लेके आएगा और कार्ड यहाँ पे आपको बना के जाएगा। नेक्स्ट बताइए, मनरेगा का सचिव सर, मनरेगा का बताइए जो काम होगा के बन जाएगा। और सोमवार को ही आयुष्मान कार्ड का मैम जो है यहाँ कैंप लगा देंगे और जो आपको मेरी मदद चाहिए जिले से ले लेंगे। तो आयुष्मान कार्ड को यहाँ सैचुरेट करना है और इसका भी करना है। एडीओ एजी आएंगे और पीएम किसान का जिस जिसका भी आधार कार्ड को लेकर प्रॉब्लम है उनका डेटा इकट्ठा कर लेंगे और उनको गाइड कर देंगे, जैसे आपने आज किया था एडीओ एजी के लिए बोलो। और सीडीओ साहब एक बार बैठ के, जैसे अभी एक बीच में कंप्लेंट आई है और सोमवार को रिपोर्ट बना के देंगे आप कि जितना पुष्टाहार है उसमें गैप आप बखूबी बता रहे थे नंबर का, तो वो चेक करके रिपोर्ट दे देंगे वहां पे सारा डिटेल बना के। और विकास अधिकारी के लिए जो चिन्हित की गई चौपालों में से आज लगाई गई भठठ ब्लॉक के जैनपुर में हमने लगाया इस चौपाल को, और इस चौपाल में जो जो हमारे जैनपुर के ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं को सुना गया और हर विभाग द्वारा अपनी स्कीम को बताया गया और जो लाभार्थी उन स्कीमों से लाभान्वित हुए हैं सबका नाम पढ़ के एक ओपन फोरम में जो खुली बैठक में उसमें पढ़ा गया, जिसमें आवास की 7 कंप्लेंट आई है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी में जो पुष्टाहार बढ़ता है उसके लिए लोगों ने कंप्लेंट किया है और राशन की 2 कंप्लेंट्स थी, और इन कंप्लेंट्स को राशन की और पुष्टाहार वाली को वहीं निस्तारित किया गया। आवास के लिए जांच करके जो खंड विकास अधिकारी है वो कल तक दे देंगे। और इसके अलावा जो हमारा आयुष्मान कार्ड का जो एक कैंप लगाने के लिए ग्रामीणों द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी वो सोमवार को लगेगा। राशन का एक कैंप लगेगा, इसमें जो भी राशन कार्ड अगर किसी को कोई समस्या उसमें अपना वो कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि में जो जो जिस इसमें भी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, किसी का आधार कार्ड का नंबर की गलती है, उसको दुरुस्त करने के लिए भी सोमवार को कैंप लगेगा। और अगले एक हफ्ते तक हमारी जो टीम है खंड विकास अधिकारी या अन्य विभागों की वो उस गाँव में जाते रहेंगे, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए वहाँ सैचुरेशन तक वहाँ रहेंगे। और मेरे द्वारा एक और निर्देश दिया गया है कि पूरे गांव में फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए ताकि जो सफाई का खास ध्यान रखा जाए और रोस्टर बना के हर मोहल्ले और हर घर को टच किया जाए, कोई भी टोला छोड़ा नहीं।